सज्जनों, नौ ग्रहों की श्रृंखला में आज हम बुध ग्रह का व्याख्यान आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। बुध ग्रह ग्रहों के प्रशासन में राजकुमार है। सूर्य राजा है, चंद्र रानी है, मंगल सेनापति है और बुध युवराज है और गुरु देवगुरु है और दैत्य गुरु शुक्राचार्य शुक्र है, शनि सेवक है। तो नौ ग्रहों की श्रृंखला में बुध युवराज है। युवराज का हम आपके सामने प्रस्तुत वर्णन कर रहे हैं। बुध की दो राशियां होती हैं, एक मिथुन और दूसरी कन्या, और बुध उत्तर दिशा का स्वामी है, हरा रंग है, नपुंसक ग्रह है ये। तो नपुंसक ग्रह होने के कारण ये सुंदरता दिए हुए है। एक कन्याओं जैसा उसका स्वभाव होता है, जैसे लड़कियां जो है तो एकदम शर्मीली होती है, इसी प्रकार से बुध ग्रह प्रधान व्यक्ति भी शर्मीले स्वभाव का होगा और अपनी बात में करने में धीमी गति रहेगी, धीमा बोलेगा और उसकी निम्न दृष्टि रहेगी। जब भी किसी से बात करेगा तो नीचे देख कर बात करेगा, शर्मीला शरीर का स्वभाव रहेगा और मुस्कान भी इसकी मधुर यानी धीमी स्मृति, थोड़ी सी मुस्कान रहेगी, खिलखिला के नहीं हंसने वाला होगा, एकदम मुस्कुरा देगा। उसकी मुस्कुरान में ही बहुत आनंद की अनुभूति होती है। तो बुध ग्रह इस प्रकार से उसका स्वभाव और स्वरूप बताया। ये हरे रंग का होने के कारण हरा वस्त्र, इनको हरा रंग हरियाली जो है उसको बहुत प्रिय है, इसलिए जिसका बुध खराब होता है उसको हरियाली हमेशा अपने साथ में रखना चाहिए, हरियाली के मकान में रहना चाहिए और उसको जो हरा रंग प्रिय भी होता है। जन्म कुंडली में कहीं भी गए बैठा है, हरा रंग उसके लिए जो बुध प्रधान है उसको हरा रंग प्रिय होगा। कपड़ा खरीदने जाएंगे तो हरा रंग को वो पहले पसंद करेगा। अब बुध का द्वादश भावों में क्या प्रभाव होता है वो आपके सामने दर्शाते हैं। प्रथम भाव लग्न भाव है। लग्न में जब बुध बैठता है तो ऐसे लग्न में बैठने वाले बुध की जो दृष्टि है वो निम्न होगी, नीची तरफ देखने वाला होगा और वो हमेशा निम्न दृष्टि के साथ साथ उसके अंदर एक कला ज्ञान प्राकृतिक रूप से होता है, आर्ट, वो आर्टिस्ट होता है, लेखन कला उसकी अच्छी होगी अथवा कलात्मक ज्ञान में वो प्रवीण रहेगा। ये बुध का प्रभाव होता है और उसके जो है सो बाल केस बहुत अच्छे सुंदर होंगे, यानी सिर के बाल यदि घुंघराले हों या सुंदर बाल हों, यानी केस विन्यास उसका बड़ा सुंदर रहेगा और हमेशा वृद्धावस्था तक भी जो लग्न में जिसके बुध बैठा है वो वृद्धावस्था काल तक युवराज शरीर का दिखेगा, यानी उसकी अवस्था का शरीर के अनुमान से प्रमाण नहीं लगा सकते कितनी अवस्था का होगा। 60 वर्ष की अवस्था भी क्यों ना हो लेकिन वो 30-35 का दिखेगा। तो उसके अंदर एक सुंदरता आकर्षणता अपने आप स्वाभाविक रहती है ये बुध के अंदर। और द्वितीय भाव में जब बुध बैठता है तो धन और कुटुंब के प्रति उसकी आस्था ज़्यादा रहती है, कुटुंब के प्रति लगाव रहता है और धन धान से परिपूर्ण बनाता है और उसके घर में हमेशा संग्रह शक्ति करने की क्षमता उसमें ज़्यादा रहती है। उसे घर में हर सामान मिलेगा जिसके बुध रहता है और धन संपन्न बनाता है। तृतीय भाव में जब बुध बैठता है तो पराक्रम उसका धीमी गति का होगा, पराक्रम यानी मेहनत करने में वो प्रवीण नहीं रहेगा और आलसी टाइप का होगा और भाई बहनों से उसके जो संबंध हैं वो कुछ बहुत ज़्यादा मधुर नहीं रहेंगे, सामान्य ही मधुर संबंध रहेंगे। जब चतुर्थ भाव में बुध अगर बैठा हो तो दूसरे के वाहन से और मित्रों से उसका बड़ा सहयोग मिलता है, वो हमेशा अपना वाहन नहीं दूसरे के वाहन का हमेशा सुख उसको मिलता रहेगा और मित्रों का सुख उसको बहुत अच्छा मिलेगा और माता का सुख भी मिलता रहेगा। इस प्रकार से पंचम भाव का सुख का वर्णन किया, अब चतुर्थ भाव का वर्णन किया, पंचम भाव का शुक्र हो। पंचम भाव का जब बुध होता है तो उसमें
छल छिद्र कपट ज़्यादा रहेंगे, वो हमेशा जो है सो जुझारू बात करेगा, हमेशा दूसरों को डराने की बात करेगा, छल कपट प्रपंचों से वो भरा रहेगा, लेकिन उसकी तीव्रगामी बुद्धि होगी, बुद्धि में कोई कमी नहीं रहेगी, और उसकी संतान जो होगी वो संतान कहीं ना कहीं कभी एक संतान खंडित जरूर होगी। और वृद्धावस्था में यानी दीर्घकालीन अवस्था में 40 साल से ऊपर जब हो जाता है तब उसके यहाँ पुत्र संतान का सुख मिलता है, पंचम भाव के बुध का। छठवें भाव में अगर बुध होता है तो रोग शत्रुहंता योग तो बनाता है, लेकिन चमड़ी से संबंधित चर्म से संबंधित उसको रोग देता है, और उसकी खुजाल खुजली होने लगे अथवा चर्म रोग हो जाए अथवा मंगल की दृष्टि उसके साथ में हो जाए तो वो कुष्ठ वगैरह का रोग बनाता है। तो इस प्रकार से और बुध अगर खराब हो स्थिति में हो नीच राशि का हो तो अपमान का दुख देता है, वो अपमान कराने वाला होता है, और सबसे बड़ा दुख उसको अपमानित कराता है। सप्तम भाव का बुध व्यभिचारी बनाता है, और पत्नी सुख उसको नहीं मिलता है, पत्नी सुख में अभाव जब विवादास्पद गृहस्थ जीवन होता है उसका, क्योंकि नपुंसक ग्रह होने के कारण सप्तम भाव कामुक भाव है, कामना का भाव है, और वहाँ पर बुध अगर बैठता है तो नपुंसक बनाता है। और अष्टम भाव में बैठने वाला बुध जो है दीर्घायु करता है, और जो है सो उसकी जो है सो धन संपन्नता अच्छी बनाता है। नवम भाव में बैठने वाला बुध भी बहुत अच्छा जो है सो भाग्यशाली बनाता है, और उसका मामा के द्वारा उसका भाग्य का विकास होता है, और कॉमर्स लेन में उसका विकास होता है, कॉमर्स विद्या पढ़ने में उसका पारंगत होता है, और बैंकिंग सेवा में जाने का योग इसके बनाता है। दसम भाव का बुध जो है आलसी और कर्मठ बनाता कर्मठ नहीं होने देता है, लेकिन बुध जब सूर्य के साथ होता है तो दसम भाव का बुध राजयोग कारक बना देता है, और उसको बैंकिंग सेवा में अधिकारी पद दिलाता है और सॉलिसिटर बना देता है। ग्यारहवें भाव का बुध जो है विशेष रूप से लाभ दिलाता है, अच्छे लाभकारी होता है, और मामा के द्वारा उसको लाभ मिलता है, मामा का सुख अच्छा मिलता है, और स्थायी रूप से चर्म रोग उसको होते हैं, और भाई बहनों का सुख भी अच्छा होता है। बारहवें भाव का बुध जो है वो खर्च भाव है, इसलिए और उसमें नपुंसक ग्रह बैठा हुआ है बुध, तो व्यभिचारी भी बनाता है, पत्नी सुख में कमी कराता है, और हमेशा विवादास्पद गृहस्थ जीवन बनाने के साथ साथ खर्चीला स्वभाव ज़्यादा होता है। इस प्रकार से द्वादश भाव में बुध का मैंने आपके सामने वर्णन किया। अब बुध के जो है सो विद्या गणित विद्या है, और गणित विद्या में यानी जो कॉमर्स लाइन है वो कॉमर्स बुध के द्वारा ही होती है। अगर किसी का बुध खराब होता है तो कॉमर्स में सफलता प्राप्त नहीं होती, और उसका व्यवसाय इसका कर्म क्षेत्र होता है, वो नौकरी कम करता है, व्यवसाय का विद्या करता है, या विद्या के साथ साथ व्यवसाय करने वाला होता है, प्रवीण होता है व्यवसाय में, प्राकृतिक रूप से उसको व्यवसाय गुण उसके अंदर पाए जाते हैं। इस प्रकार से बुध का मैंने आपके सामने वर्णन किया, और अब अगले एपिसोड में गुरु का वर्णन करूँगा। हरिओम।